नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजुअल आपके सामने द हिंदू के एडिटोरियल के साथ हूँ। देखो, इसमें पूरी बातचीत जो की गई है वो पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके बारे में। तो जो हेडिंग दिया गया है, अनसर्टेनिटी अहेड, यानी कि अनिश्चितता आगे की तरफ, यानी कि आगे आने वाले दिनों में जो अनिश्चितता होगी। नवाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन कुड सेट अप ए स्पेल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ की जो अयोग्यता है, हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता के दौर को लाए। द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का अयोग्य ठहरा दिया जाना कि वो किसी लोक पद पर रहें, यानी कि कोई जो कंस्टिट्यूशनल पोस्ट की बात करें तो या संवैधानिक पोस्ट की बात करें उस पर रहें। बाय द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इन द पनामा पेपर्स केस। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस मामले में, पनामा पेपर के मामले में, लीव्स अ ह्यूज पॉलिटिकल वैक्यूम इन द कंट्री। इसके कारण से देश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हुआ है। दिस इज द थर्ड टाइम मिस्टर शरीफ्स प्रीमियरशिप हैज़ बीन कट शॉर्ट। यह तीसरी बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जो प्रधानमंत्रित्व है, ठीक है, उनके प्रधानमंत्री पद पे बने रहने की बात है, हैज़ बीन कट शॉर्ट। वो कार्यकाल पूरा होने से पहले खत्म हो गया है या कर दिया गया है। इफ हिज फर्स्ट टू टर्म्स वर एंडेड बाय द कंट्रीज पावरफुल मिलिट्री। कहा यह जा रहा है कि यदि उनके पहले दो कार्य अवधि की बात करें तो वो खत्म हुआ, देश के एक शक्तिशाली सेना के द्वारा खत्म कर दिया गया। फर्स्ट फोर्सिंग हिम टू रिजाइन एंड देन ओवरथ्रोइंग हिज गवर्नमेंट इन अ कू। कहा यह जा रहा है कि पहली बार तो उनको मजबूर किया गया कि वो क्या करें, इस्तीफा दें, और दूसरी बार यानी कि उसके बाद उनके सरकार को एक तख्ता पलट में क्या कर दिया गया, उखाड़ फेंक दिया गया। दिस टाइम इट वॉज थ्रू ए फॉर्मल लीगल प्रोसेस। लेकिन इस बार एक आधिकारिक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ऐसा किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड ए कंट्रोवर्शियल आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिक्वायर्स पॉलिटिशियन टू बी ऑनेस्ट एंड राइटस। कहा यह जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने लागू किया एक विवादास्पद अनुच्छेद का, संविधान का, ठीक है, जिसमें ये अपेक्षा की जाती है कि जो राजनीतिक होंगे वो ईमानदार होंगे और राइटस होंगे, यानी कि एक सही सोच और सही दिशा में काम करेंगे। द कोर्ट रूल दैट मिस्टर शरीफ वॉज डिसऑनेस्ट इन फेलिंग टू डिस्क्लोज इन हिज 2013 इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स हिज एसोसिएशन विद अ यूएई बेस्ड कंपनी एंड देयरफॉर वॉज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि माँ से शरीफ जो हैं वो बेईमान रहे हैं या ईमानदार नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने 2013 के इलेक्शन के लिए जो पर्चे दाखिल किए उसमें ये चीज़ उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, ये नहीं बताया कि उनका जो संबंध है यूनाइटेड अरब अमीरात की एक कंपनी है उसके साथ है, एंड देयरफॉर वाज अनफिट इन कंटिन्यू टू इन ऑफिस, और इस कारण से वो अयोग्य हैं कि वो उस पद पर बने रहे। यहाँ पर ऑफिस का मतलब कार्यालय से नहीं, पद से है। द कोर्ट ऑल्सो रेफर्ड मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशन अगेंस्ट मिस्टर शरीफ। तो कहा जा रहा है कि कोर्ट ने या न्यायालय ने ये भी चीज़ कहीं ना कहीं निर्दिष्ट किया, इशारा किया कि वो हवाला कारोबार में शामिल रहे, यानी कि काले धन को वैध बनाने के काम में शामिल रहे हैं। तो एंड हिज चिल्ड्रेन टू द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जवाबदेही आप कह सकते हो ब्यूरो है, द एंटी करप्शन रेगुलेटर, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नियंत्रण करता है उनकी यदि बात की जाए तो। वाइल अपोजिशन पॉलिटिशियन, वैसे तो
जो विपक्ष के राजनीतिक हैं, स्पेशली द तहरीक इंसाफ इमरान खान, खास करके जो तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की है, वो फाइल्ड ए पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द शरीफ फैमिली, जिन्होंने की एक याचिका दायर की थी शरीफ परिवार के खिलाफ, कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में, हैव वेलकम द रूलिंग एज एन एंडोर्समेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने इस चीज़ का स्वागत किया है कि ये जो पूरी की पूरी जो रूलिंग दी गई है, जो फैसला सुनाया गया है, वो कहीं ना कहीं जवाबदेही को मुहर लगाता है, यानी कि इससे कहीं ना कहीं जवाबदेही तय की गई है। There are some worrying legal and procedural questions about the Supreme Court's decision. कहा जा रहा है कि कुछ जो इसमें चिंताजनक कानूनी एवं प्रक्रियात्मक या प्रक्रिया संबंधित प्रश्न है, ठीक है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए, should it have waited for a full investigation into the corruption allegation before disqualifying him? तो क्या उन्हें, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, उनको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि पूरा पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया खत्म हो इससे पहले कि उनको क्या किया जाए, नवाज शरीफ को क्या किया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए, अयोग्य किया जाए? तो अयोग्य ठहराने से पहले ऐसा कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को पूरी जाँच को खत्म होने देना चाहिए था। एक ये देखा जा सकता है कि प्रक्रियात्मक प्रश्न उठाए जा रहे हैं। At the practical level, यानी कि यदि व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए, the focus is on whether Mr. Sharif exit will feel political instability. अब जो लोगों का ध्यान केंद्रित है वो इस चीज़ पे है कि क्या शरीफ का जाना, यानी कि उन प्रधानमंत्री पद से हट जाना, ठीक है, क्या राजनीतिक अस्थिरता को हवा देगा? A seasoned politician with immense popularity and experience in dealing with the military. तो कहा जा रहा है, सीजन्ड का मतलब यहाँ पर अनुभवी से, एक अनुभवी राजनीतिक और जिनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है और बहुत ज़्यादा अनुभव है उनका सेना के साथ कैसे डील किया जाए, संबंधों को कैसे रखा जाए। ही अपहेल्ड हिज अथॉरिटी इन हिज थर्ड टर्म डिस्पाइट सस्टेन प्रेशर फ्रॉम द जनरल्स। उन्होंने अपने अथॉरिटी या उनके जो अधिकार हैं उसको बनाए रखा अपने तीसरे कार्यकाल में, बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा लगातार ही उन पर दबाव डाला जाता रहा। किसके द्वारा? जनरल्स के द्वारा। जनरल्स कहने का मतलब यहाँ पर सेना से है। देर वर ओकेजनल फ्लैश पॉइंट, तो कहा जा रहा है कि कभी कभी उत्तेजना का समय भी रहा, ठीक है, बट द मिलिट्री लार्जली रिफ्रेन फ्रॉम शोइंग इट्स हैंड। लेकिन जो सेना है वो मोटे तौर से देखें तो अपने आप को रोका उसने कि वो अपना कुछ भी अपना हाथ दिखाएं, यानी कि वो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं दबाव तो डालते रहे लेकिन सीधे तौर से मुखर होकर लोगों के सामने नहीं आए। इट हैज चोजन टू एक्सरसाइज इट्स पावर ओवर द एग्जीक्यूटिव इनडायरेक्टली। तो सेना के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग जो किया किसके ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, टू अवॉइड पब्लिक डिसएंचेंटमेंट ऑफ सॉर्ट दैट अंडरमाइन इट्स इमेज ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ द परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो और वो इसलिए सेना ऐसा कर रही है जिससे कि लोगों का जो मोह भंग उस जैसा कि परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रपति के रहते समय हुआ था वैसा कुछ अब ना हो। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो नवाज शरीफ की जो के ऊपर जो इनका दबाव है सेना का रहा है, ठीक है, उसमें इन्होंने सारा जो तौर तरीका अपनाया वो अप्रत्यक्ष रूप से, वो मुखर होकर सामने नहीं आए, लोगों के सामने नहीं आए, ताकि जो मोह भंग की स्थिति परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रपति के समय थी सेना के साथ लोगों की, वो वैसी स्थिति अब पैदा ना हो। ओवर द लास्ट 4 years पाकिस्तान हैज हैड अ स्पेल ऑफ रिलेटिवली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कहा जा रहा है पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में था और है एक, आप कह सकते हैं, तुलनात्मक रूप से राजनीतिक अस्थिरता का दौर है, ठीक है, यानी कि पिछले 4 साल में कमोवेश जो आर्थिक स्थिरता बनी हुई है यदि हम पुराने समय से इसका क्या करें, तुलना करें।
अब देखिए आगे कहा जा रहा है, एन ईजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस एंड अ ड्रॉप इन अ टेरर अटैक, ठीक है, और साथ में क्या हुआ है कि जो बिजली का संकट है वो भी कम हुआ है और जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें भी गिरावट आई है, बट नाउ दैट मिस्टर शरीफ इज गॉन, लेकिन कहा जा रहा है कि अब चूंकि वहां से शरीफ अपने प्रधानमंत्री पद से हट चुके हैं, इट इज नॉट क्लियर हाउ द मिलिट्री विल डील विद एनी रिजल्टेंट पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी फ्रेलिटी। तो कहा जा रहा है कि अब ये स्पष्ट नहीं है कैसे सेना जो है वो डील करेगी, कैसे इन चीजों के साथ व्यवहार करेगी, जो कुछ भी अब परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक अस्थिरता हुई है या जो जो कार्यपालिका है उसकी जो कमजोरी हुई है, यानी कि शरीफ के जाने के साथ जो एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है और साथ में जो कार्यपालिका है, ठीक है, ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री के नहीं रहने के कारण से जो उसमें क्या आई है, कमी आई है, कमजोरी आई है, उसके साथ कैसे सेना का बर्ताव होगा, तो ये तो देखने लायक बात होगी, ऐसा कहा जा रहा है। द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ नवाज हैज क्विकली नेम्ड शहबाज शरीफ, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की यदि बात करें तो उन्होंने शहबाज शरीफ को तुरंत ही क्या किया, मनोनीत किया, ठीक है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ब्रदर, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री के क्या है, भाई हैं, एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और पंजाब प्रांत के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, एज हिज सक्सेसर, अपने उत्तराधिकारी के रूप में, टू इंश्योर ए स्मूथ ट्रांजिशन एज वेल एज टू स्टॉप इट्स राइवल्स फ्रॉम गेनिंग फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग क्राइसिस, जिससे कि जो सत्ता परिवर्तन है, ठीक है, जो हस्तांतरण है वो बड़े आराम से हो जाए और साथ में जो उनके जो विरोधी हैं उनको एक यदि संकट लंबे समय तक चलता है तो उसका वो फायदा उठा सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। यानी कि कहा यह जा रहा है कि तत्काल जो ये ज़रूरत थी कि जो सत्ता परिवर्तन है या हस्तांतरण है वो आराम से हो जाए, और इस कारण से उन्होंने अपने बड़े अपने छोटे भाई को क्या किया, मनोनीत किया प्रधानमंत्री के रूप में, जिससे कि ये भी हो सके कि जो विरोधी दल हैं वो यदि ये संकट लंबे समय तक खींचता है तो उसका फ़ायदा ना उठा सकें। बट द यंगर शरीफ हु हैड ए रन इन विद द मिलिट्री लास्ट ईयर, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो छोटे शरीफ है, ठीक है, नवाज शरीफ के छोटे भाई, जिनका कि मिलिट्री के साथ मतलब एक उठापटक की स्थिति रही है पिछले साल, हैज़ बिग शूज टू फिल एट ए चैलेंजिंग टाइम, तो उनको देखो बिग शूज टू फिल एक फ्रेज है जिसका मतलब है किसी भी बड़ी अपेक्षा को पूरा करने की आशा, कि एक इंसान से अपेक्षा की जाती है कि कोई एक बड़े टास्क को, एक बड़े चैलेंज को या बड़े चुनौती को पूरा कर पाएगा। तो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के जो छोटे भाई हैं शहनवाज शरीफ, जिनको कि प्रधानमंत्री के लिए क्या किया है, मनोनीत किया गया है, ठीक है, उनका अनबन रहा है, ठीक है, मिलिट्री के साथ, और इनके लिए जो समय है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा जो आने वाला समय है। विथ पाकिस्तान गोइंग टू द पोल्स नेक्स्ट ईयर एंड द अपोजिशन मेनली मिस्टर खान पीटीआई विच इज इन इफेक्ट द किंग्स पार्टी, तो देखें कि चूंकि पाकिस्तान को अगले साल, पाकिस्तान में अगले साल चुनाव होना है और जो विपक्ष है जिसका नाम आप कह सकते हैं, जो कि महासे खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है, विच इज़ इन इफेक्ट द किंग्स पार्टी, जो कि मोटे तौर से देखें तो एक ऐसी पार्टी है जो कि सत्ता में आ सकती है, ट्राइंग टू टर्न करप्शन इंटू गैल्वनाइजिंग इलेक्टोरल इशू, वो कोशिश ये कर रही है कि इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में क्या किया जाए, मजबूत कर दिया जाए, ठीक है। शहनवाज शरीफ विल टेक चार्ज वाइल द कंट्री इज वर्चुअली इन ए कैंपेन मोड, तो कहा जा रहा है कि शहनवाज शरीफ जो है वो अपने पद को उस समय संभालेंगे जब देश क्या होगा, एक कहीं ना कहीं चुनाव के दौर से गुजर रहा होगा, मतलब चुनाव ना भी हो रहा हो तो चुनाव प्रचार या चुनाव इलेक्शन मोड कहने का मतलब अब एक ऐसी स्थिति जिसमें कि चुनाव होने वाली हो उस स्थिति से गुजर रहा होगा। ऑल दिस इज हैपनिंग एट ए टाइम व्हेन पाकिस्तान इज कमिंग अंडर इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट टू एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स, और ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब पाकिस्तान के ऊपर उत्तरोत्तर यानी कि धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कि किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, कि वो आतंकवादियों के खिलाफ क्या करें, कार्रवाई करें, एंड वाइल बॉर्डर टेंशन विथ इंडिया एंड अफगानिस्तान कंटिन्यूज टू रिमेन हाई, और जबकि
दूसरी तरफ यदि देखें तो ये भी कि भारत और अफगानिस्तान के साथ जो इनका सीमा विवाद है या सीमा जो तनाव है, ठीक है, वो भी बिल्कुल चरम पे है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इवन विद दिस हिज ब्रदर बैकरूम सपोर्ट, ठीक है, इसके साथ ही जो उनके उनके भाई का जो पीछे से समर्थन है, शहनाज शरीफ विल हैव इट्स हिज प्लेट फुल, तो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ का जो जो पूरा का पूरा जो स्थिति होगी वो पूर्णतया होगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।